स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके जो तो गुर्दे और दूसरे होने के कारण कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्म क्षेत्र में जो लगे लोग हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और जिनका कर्म छूट गया है उनके लिए नया कर्म जुड़ने का योग इस सप्ताह में बनने वाला है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, नौकरी आपकी छूट गई थी लेकिन आप इसी सप्ताह में मिल जाएगी इस प्रकार से। और शनिदेव आपके तीसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, बकरी हैं, इसलिए आपके लिए खास करके संतान के लिए थोड़ा कष्टकारक हैं। संतान की विद्या बुद्धि में भी प्रवीणता की कमी आ रही है, उनके स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना है। और आपके भाग्य वृद्धि में अचानक चोट, आध्यात्मिक क्षेत्र में अचानक चोट पहुंचाने वाले हैं, मन नहीं लग रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में और अपव्यय कराने वाला योग है। एक कार्य से जहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ आप खर्च करने जा रहे हैं, आपको नुकसान की संभावना दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके राहु देव कहाँ हैं, मिथुन राशि पर चल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिथुन के राहु क्या करा रहे हैं, मिथुन के राहु आठ में हैं, अष्टम राहु जो है तो आपके लिए अचानक चोट चपेट पहुंचाने वाले हैं, दुर्घटना कुत्तांग में कष्ट का योग बना सकते हैं, दुर्घटना कारक बन सकते हैं और आपके जो है तो अनायास हानि होने की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये राहुदेव आपके लिए कष्टपूर्ण है और पत्नी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है क्योंकि अष्टम शुक्र चल रहे हैं, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और खास करके सप्तम भाव में आपके सूर्यदेव और एवं बुधदेव चल रहे हैं, इसलिए व्यापार तो आपका बहुत अच्छा चल रहेगा और आगे भव्य विकास की ओर अग्रसर होगा। साथ साथ में आपका जो है तो पत्नी का जो अचानक जो है तो नेत्र विकार आ सकते हैं, उससे थोड़ा सावधान रहना है। और इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव जो है सो वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम मंगल क्या करते हैं, आपके विद्या बुद्धि में मलिनता लाते हैं और अनेक प्रकार के संतान के लिए कष्टकारक बनाते हैं, मंगलदेव ठीक नहीं है। लेकिन लाभ के लिए ये मंगलदेव बहुत अच्छे हैं और आपके बड़े भाई से थोड़ा सा विवाद जरूर होगा लेकिन लाभ उन्हीं से होना है, इसलिए विवाद नहीं करना ही ठीक है। और अपव्यय कारक भी होते हैं, इस प्रकार से मंगलदेव भी आपके लिए ठीक अनुकूल नहीं है। गुरुदेव आपकी राशि से दूसरे हैं, दूसरे गुरु का मैंने वर्णन कर दिया। और अब जो है सो शनिदेव भी आपके लिए तीसरे हैं, तीसरे शनि जो है सो आपके लिए सुंदर फलदायक होते हैं। इस प्रकार से सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए बहुत उत्तम है, सप्ताह का प्रारंभ थोड़े कष्टप्रद रहेगा। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला सप्ताह रहेगा। मंगल कामना करता हूँ कि आपका सप्ताह अच्छा बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।